हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द नाइट ऑल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के बारे में। बैंक रिकंसिलिएशन होता क्या है, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं एंड इफ यू आर गेटिंग एनी बेनिफिट आउट ऑफ दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आर यूट्यूब चैनल द नाइट ऑल, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर फ्यूचर अपडेट्स। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारी आज की क्लास। BRS बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होता क्या है सर। ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो है वो है आपका नथिंग बट योर पासबुक। हम पासबुक को क्या करते हैं, रिकंसाइल करते हैं। रिकंसाइल करना मतलब टू मैच, किसके साथ मैच करेंगे हम इसे, मैच करेंगे कैशबुक के साथ। अभी कैशबुक कितने टाइप के होते हैं, कैशबुक होते हैं तीन टाइप के। फर्स्ट सिंगल कॉलम, सेकेंड डबल कॉलम, थर्ड ट्रिपल कॉलम। तो हम इसमें कैशबुक विद सिंगल कॉलम जो होता है वो उसमें सिर्फ कैश कॉलम होता है, डबल कॉलम में कैश एंड बैंक दो कॉलम होते हैं, ट्रिपल कॉलम में कैश बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम होता है। तो हम इसमें कौन से कैशबुक से मैच करेंगे, हम इसमें मैच करेंगे कैशबुक विद बैंक कॉलम ओनली। कैशबुक विद बैंक कॉलम ही क्यों ले रहे हैं हम मैच किसको कर रहे हैं, पासबुक को, दैट इज बैंक स्टेटमेंट। तो बैंक में कौन से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं जो बैंक के थ्रू होते हैं, दैट इज चेक के थ्रू हुआ होगा, बिल्स रिसीवेबल के थ्रू हुआ होगा। राइट, तो जो ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू होते हैं वही ट्रांजैक्शन हम इसमें लेंगे। तो कैशबुक में जो ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू होता है कौन से कॉलम में रिकॉर्ड होता है, वो बैंक कॉलम में रिकॉर्ड होता है। हमें वही ट्रांजैक्शन कंसिडर करना है, क्यों, क्योंकि दोनों में सेम ट्रांजेक्शन दिखेगा तो ही हम मैच कर सकते हैं। अगर मैं सपोज करो कैशबुक विद कैश कॉलम ले लेता हूं तो कैश ट्रांजेक्शन जो हुआ रहेगा वो कैशबुक में तो रिकॉर्ड हुआ रहेगा, लेकिन उसका कोई भी एंट्री हमारे पासबुक में नहीं होगा, तो हम उसे मैच ही नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई वी आर कंसिडरिंग ओनली कैशबुक विद बैंक कॉलम, ताकि दोनों में सेम ट्रांजेक्शन दिखे, तो जो भी डिफरेंसेस रहेगा उसे हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के थ्रू क्या करेंगे, रिजोल्व करेंगे। अभी सर ये डिफरेंसेस क्यों आता है कैशबुक में एंड पासबुक में, डिफरेंस आने के दो रीजन है आपके। डिफरेंस आने का दो रीजन है आपका। फर्स्ट है टाइमिंग डिफरेंस, सेकंड है रॉन्ग रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। ये टाइमिंग डिफरेंस क्या होता है, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मिस्टर ए सोल्ड गुड्स टू मिस्टर बी वर्थ रुपीज 10,000 एंड पेमेंट रिसीव्ड बाय चेक। तो आपने क्या किया, आपने गुड सोल्ड किया किसको, मिस्टर बी को, कितने का, 10,000 का, एंड पेमेंट किसके थ्रू रिसीव हो रहा है आपको, चेक के थ्रू। तो इसकी एंट्री क्या पास करोगे आप अपने बुक में, तो ये सबसे पहले आपका कौन सा सेल है, कैश सेल है, या कैश सेल बोलो या बैंक सेल बोलो, क्रेडिट सेल इसको नहीं बोलेंगे, क्यों, पेमेंट हमें तुरंत ही मिल रहा है चेक के थ्रू। तो जब पेमेंट हमें चेक के थ्रू मिलता है तो हम एंट्री क्या पास करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कितने का, 10,000 का। अगर मैं इसे अपनी कैशबुक में पोस्ट करूं तो मैं इसे कैसे दिखाऊंगा, ये मेरा क्या है, कैशबुक है, कैशबुक का डेबिट साइड क्या होता है आपका, रिसीट साइड होता है, एंड क्रेडिट साइड इज योर पेमेंट साइड। जहां जहां से पैसा आता है हम कहाँ क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, जहां जहां पैसा जाता है हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं।
तो हमें पेमेंट रिसीव हुआ है किसके थ्रू, बैंक के थ्रू। और हम क्या बात कर रहे हैं इसमें, कैशबुक विद बैंक कॉलम, तो मैं कैशबुक के डेबिट साइड में 10,000 रुपये दिखा दूंगा, ठीक है। लेकिन क्या ये एक्चुअल में मेरे पास पेमेंट आ गया है अभी तक? नहीं, सिर्फ मेरे को क्या हुआ है, चेक रिसीव हुआ है। एक्चुअल में पेमेंट कब रिसीव होगा मुझे, जब ये चेक मैं अपने बैंक में जा करके क्या करूंगा, डिपॉजिट करूंगा, एंड मेरा बैंक फिर किसके पास जाएगा, मिस्टर बी इसके बैंक के पास जाएगा, एंड इसका बैंक मेरे बैंक को पेमेंट करेगा, तब एक्चुअल में जा करके मेरे बैंक में क्या आया आएगा, पेमेंट आ जाएगा एंड एक्चुअल में रिसीव होगा। लेकिन जिस दिन मुझे चेक मिला उस दिन तो मैंने ये एंट्री पास कर दी 10,000 की, एंड मैंने अपने कैशबुक में 10,000 शो भी कर दिया, लेकिन एक्चुअल में पेमेंट मिला है क्या मुझे? एक्चुअल में पेमेंट मुझे इस डेट पर नहीं मिला है। अगर इस दिन का मेरा जो बैंक स्टेटमेंट है, दैट इज योर पासबुक, आप उठाकर अपने कैशबुक से मैच करोगे तो मैच होगा क्या, हो मैच नहीं होने वाला है। तो इसी को क्या बोलते हैं, आपका पासबुक में तो एंट्री आई नहीं है, क्यों? क्योंकि आप चेक अभी तक डिपॉजिट ही नहीं किए हो, लेकिन कैशबुक में आपने एंट्री ऑलरेडी पास कर रखी है। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है आपके कैशबुक में, ये आ रहा है ड्यू टू टाइमिंग डिफरेंस, इसे ही कहते हैं टाइमिंग डिफरेंस। अभी रॉन्ग रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन क्या है, आपने सेल कितने का किया है, आपने सेल किया 10,000 का, और पेमेंट रिसीव किए किसके थ्रू, चेक के थ्रू। अब इसके इसको आप रॉन्ग रिकॉर्ड कर रहे हो, रॉन्ग रिकॉर्ड कर रहे हो मीन्स आप 10,000 ना शो करके क्या कितना शो कर रहे हो, 1,000 शो कर रहे हो, तो ये रॉन्ग रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो रीजन है जिसकी वजह से आपके कैशबुक में एंड पासबुक में क्या शो होता है, डिफरेंस शो होता है। और भी ट्रांजेक्शन है जिसकी वजह से कैशबुक एंड पासबुक में डिफरेंस आता है, तो ट्रांजेक्शन भी हम देख लेते हैं। इसमें पहला है आपका चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, इसका मतलब क्या है, आइए एक एग्जांपल देखते हैं। परचेस गुड्स वर्थ ₹15,000 फ्रॉम मिस्टर बी एंड पेमेंट मेड बाय चेक। तो हम क्या कर रहे हैं, हम परचेस कर रहे हैं कितने का, 15,000 का, किससे, मिस्टर बी से, एंड पेमेंट किसके थ्रू कर रहे हैं, चेक के थ्रू। तो इसकी एंट्री क्या पास करेंगे हम अपने बुक्स में, परचेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, पेमेंट किसके थ्रू जा रहा है, चेक के थ्रू। तो हम बैंक को क्या कर देंगे, क्रेडिट कितने का, 15,000। तो ये आपका क्या हुआ, ये आपका रहा कैशबुक, आप एंट्री पास करोगे तो आप कैशबुक बैंक क्या हो रहा है आपका, क्रेडिट हो रहा है। तो कैशबुक क्रेडिट साइड में आओगे और क्या लिखोगे यहाँ पे, बाय परचेस कितने का, 15,000। इसका मतलब क्या हुआ, आपने एक्चुअल पेमेंट की एंट्री शो कर दी कि आपने 15,000 का पेमेंट कर दिया है, लेकिन एक्चुअल में पेमेंट सामने वाला आपका पार्टी कौन है, बी जिसे आप परचेस किए हो, उसे एक्चुअल में पेमेंट मिला गया अभी नहीं, उसे अभी क्या मिला है, सिर्फ चेक मिला है। एक्चुअल में उसको पेमेंट कब होगा, जब वो मिस्टर बी ये चेक लेकर के कहाँ जाएगा, चेक लेके जाएगा हमारे बैंक के पास, हमारे बैंक के पास जाएगा एंड हमारा बैंक इसे क्या कर देगा, पेमेंट कर देगा, तो इसके पास एक्चुअल पेमेंट रिसीव हो जाएगा। लेकिन अगर इस दिन जिस दिन हमने परचेस किया, इस दिन हम अपना पासबुक उठाकर चेक करेंगे, मैच करेंगे, तो हमने पेमेंट की एंट्री तो पास कर दी है, लेकिन पासबुक का पेमेंट साइड कौन सा होता है, पासबुक का पेमेंट साइड होता है डेबिट साइड, एंड क्रेडिट साइड क्या होता है, डिपॉजिट साइड होता है। ये आपका कौन सा साइड होता है, डिपॉजिट साइड, एंड डेबिट साइड इज योर विड्रॉल साइड। तो जो भी पेमेंट होता है कहाँ से होता है, डेबिट साइड से होता है, एंड जो भी पैसा आप डिपॉजिट करते हो या पैसा आता है, पेमेंट आता है बैंक में,
तो कहाँ पे जमा होता है वो, क्रेडिट साइड जमा होता है। क्यों? बैंक के ऊपर उतने से लायबिलिटी बढ़ जाती है, जिसका भी अकाउंट रहता है उस अकाउंट को उतना पैसा बैंक को क्या करना होता है, पे करना होता है, इसलिए बैंक उसे एज ए लायबिलिटी शो करता है अपने पासबुक में। एंड पेमेंट जब करता है, पेमेंट जब होता है तो उतने से लायबिलिटी बैंक की क्या होती है, कम होती है। तो जो भी पेमेंट होता है तो हम कहाँ शो करते हैं, डेबिट साइड में, दैट इज योर विड्रॉल साइड। एंड जो भी पैसा बैंक को हम देते हैं वो कहाँ जमा करता है, बैंक डिपॉजिट साइड में क्या करता है, जमा करता है। तो जिस दिन हमने परचेस किया उस दिन हमने कैशबुक में तो एंट्री पास कर दी कि हमने चेक के थ्रू इतना 15,000 का पेमेंट कर दिया एंड हम क्या किए, परचेस किए। लेकिन एक्चुअल में अगर इस दिन मैं अपना पासबुक उठा के देखूंगा तो मेरे पासबुक के डेबिट साइड से कोई भी पेमेंट हुआ होगा क्या? नहीं हुआ होगा। क्यों? अभी तो बस मिस्टर बी को क्या मिला है, चेक मिला है। एक्चुअल पेमेंट कब होगा, जब वो चेक मेरे बैंक के पास क्या करेगा, प्रेजेंट करेगा। तो अगेन ये जो डिफरेंस आ रहा है किसकी वजह से आ रहा है, ये डिफरेंस आ रहा है आपका टाइमिंग डिफरेंस। ठीक है, ये जो डिफरेंस आ रहा है ड्यू टू टाइमिंग डिफरेंस। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। ट्रांजेक्शन नंबर टू, चेक डिपॉजिटेड विद द बैंक। बट नॉट क्लियर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है, ये जो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिया था पहले, ये सेम एग्जाम्पल वहां पे आ जाएगा कि मैंने सेल किया गुड्स किसको, मिस्टर बी को, एंड मिस्टर बी ने मुझे 10,000 का पेमेंट दिया किसके थ्रू, चेक के थ्रू, और यही चेक मैंने अपने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। लेकिन अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, मतलब जब चेक मैंने रिसीव किया रहेगा तो मैंने ये वाली एंट्री पास कर दी रहेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 10,000 का, और मैंने अपने कैशबुक में 10,000 रुपये क्या कर दिया रहेगा, डेबिट कर दिया रहेगा। लेकिन और सेम चेक मैं अपने बैंक को दे दिया कलेक्शन के लिए, लेकिन अभी तक कोई भी पेमेंट मेरे बैंक में नहीं आया है। तो सेम चीज अगेन, ये किसकी वजह से होगा, टाइमिंग डिफरेंस की वजह से होगा। आपके पासबुक में आप अगर मैच करोगे इस दिन कैशबुक से, तो आपके पासबुक में कोई भी डिपॉजिट साइड में 10,000 का पेमेंट रिसीव नहीं शो हो रहा होगा। ठीक है, तो ये अगेन सेम एग्जाम्पल है, ये भी आपका टाइमिंग डिफरेंस की वजह से हो रहा है। थर्ड एग्जाम्पल, थर्ड ट्रांजेक्शन, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। अभी यहां पर बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है, तो ये दो वर्ड आप ध्यान से समझना, एक इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक एंड दूसरा इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक। ये दोनों में बहुत डिफरेंस है। इसको अलाउ को आप डिस्काउंट के थ्रू समझना, डिस्काउंट कितने टाइप के होते हैं, दो, एक डिस्काउंट अलाउ होता है, दूसरा डिस्काउंट रिसीव होता है। तो जो डिस्काउंट रिसीव होता है ये आपके लिए क्या होता है, इनकम होता है। तो इसको आप कहाँ शो करते हो, इसको आप शो करते हो पीएनएल के क्रेडिट साइड में। एंड डिस्काउंट अलाउ जो होता है आपके लिए क्या होता है, एक्सपेंस होता है। तो इसको आप कहाँ शो करते हो, इसको आप शो करते हो पीएनएल के डेबिट साइड में। अब यहां पर देखना, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, बैंक क्या कर रहा है, बैंक आपको इंटरेस्ट क्या कर रहा है, अलाउ कर रहा है। तो ये बैंक के लिए क्या होगा, ये बैंक के लिए होगा एक्सपेंस, जो अलाउ करता है उसके लिए क्या होता है, एक्सपेंस। तो ये बैंक के लिए क्या हो जाएगा, एक्सपेंस। लेकिन आपके लिए क्या हो जाएगा, ये आपके लिए हो जाएगा इनकम। ठीक है, तो इससे आप, आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो इससे आप कहाँ शो करोगे, इसे आप शो करोगे कैशबुक के डेबिट साइड में। ठीक है, जितना भी आपको मिलेगा अमाउंट उतना आप कहाँ शो करोगे, इसे कैशबुक के डेबिट साइड में शो करोगे। लेकिन अलाउ कौन कर रहा है, बैंक अलाउ कर रहा है। तो ये चीज मुझे कब पता चलेगी कि बैंक ने मुझे इतने का इंटरेस्ट अलाउ किया, जब मैं अपना पासबुक क्या करूंगा, अपडेट करूंगा, तो उसमें मैं देखूंगा कि बैंक ने मुझे इतने का इंटरेस्ट अलाउ किया है। लेकिन जब बैंक अलाउ करेगा तो बैंक कहाँ अलाउ करेगा, ये मेरा डिपॉजिट साइड है एंड ये मेरा विड्रॉल साइड है। तो जब बैंक कोई भी इंटरेस्ट मुझे अलाउ करेगा तो मेरा अकाउंट में जितना भी बैलेंस होगा इसी में वो क्या कर देगा, ऐड कर देगा किसे, इंटरेस्ट के अमाउंट को।
कि वो बोलेगा सामने वाले का इतना इतना पैसा है जिसके ऊपर मुझे इतना इंटरेस्ट क्या करना देना है, तो कुल मिला के मुझे उसको कितना देना है इतना, तो इतने से उसकी लायबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अभी ये चीज इंटरेस्ट उसने मेरे अकाउंट में क्रेडिट किया, ये मुझे कब पता चलेगा, जब मैं अपना पासबुक क्या करूंगा अपडेट करूंगा, तो यही सेम चीज मैं अपने कैशबुक में रिकॉर्ड कर लूंगा कहाँ पे, डेबिट साइड में। ठीक है, चौथा तो ट्रांजेक्शन क्या बोल रहा है, इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक। सपोज करो हमने लोन लिया था बैंक से और लोन लिया था हमने बैंक से और उसके ऊपर बैंक ने क्या किया, इंटरेस्ट चार्ज किया। चार्ज किया तो क्या करेगा, हमारे डिपॉजिट साइड में लिखेगा कि विड्रॉल साइड में लिखेगा, ये बैंक के लिए क्या है, असेट्स की लाइबिलिटी है जो इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है हमसे। चार्ज कर रहा है मतलब हमें उसे क्या करना है, इस अलाउ मतलब हमें मिला इंटरेस्ट, चार्ज मतलब हमें देना है बैंक को, तो हमें देना है तो वो हमारे अकाउंट में जितना पैसा रहेगा उसमें से उसका जो इंटरेस्ट का अमाउंट है वो क्या कर लेगा, डायरेक्टली डिडक्ट कर लेगा, मतलब उतने से अपनी लाइबिलिटी क्या कर देगा, बैंक कम कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। ठीक है, सपोज करो हमने इन्वेस्टमेंट करके रखा था शेयर्स में, डिबेंचर में, जिसके ऊपर हमें क्या मिला, इंटरेस्ट मिला एंड डिविडेंड मिला, तो ये डायरेक्टली कहाँ पे आ गया, मेरे बैंक अकाउंट में आ गया। ये चीज मुझे कब पता चलेगा, जब मैं पासबुक क्या करूंगा अपडेट करूंगा, मेरे बैंक में आ गया, तो मेरे बैंक में कौन सा साइड दिखता रहेगा, ये डिपॉजिट साइड में दिखता रहेगा, उतने से मेरा बैंक बैलेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इस केस में मेरे पास क्या हुआ, कलेक्शन हुआ, तो नेक्स्ट केस में क्या होगा, डायरेक्टली बैंक से पेमेंट हो जाएगा। वो किस केस में होता है, सपोज करो कि आपने क्या LIC का प्रीमियम पे करना है आपको, या आप कोई घर वगैरह परचेस किए जिसकी आपको EMI पे करना है, तो डायरेक्टली जो ड्यू डेट होगा उतने उस ड्यू डेट पर आपके बैंक अकाउंट से उतना उतना अमाउंट डिडक्ट होके ऑटोमेटिक चले जाता है, तो डायरेक्टली बैंक से पेमेंट हो जाता है। अब कितने का पेमेंट हुआ है ये आपको पता चलेगा जब आप पासबुक क्या करोगे अपडेट करोगे। तो नेक्स्ट हमारे पास वही है ट्रांजेक्शन डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक, जो भी हमारा इंस्टॉलमेंट होगा या EMI होगा या LIC का प्रीमियम होगा जिसके लिए हमने बैंक को इंस्ट्रक्शन दिया है कि उस डेट ड्यू डेट पर इतना इतना अमाउंट पे करना, तो उतने उस ड्यू डेट पे हमारे बैंक अकाउंट से इधर पे जितना पैसा है मेरा इसमें से उतना पैसा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा एंड वो चले जाएगा जिसके रिगार्डिंग वो एक्सपेंडिचर होगा। अभी ये बात भी मुझे कब पता चलेगा, जब मैं पासबुक क्या करूंगा अपना अपडेट करूंगा। दो ट्रांजेक्शन और बचे हमारे पास, ट्रांजेक्शन नंबर 7 डायरेक्ट पेमेंट इनटू बैंक बाय द कस्टमर। हमने अपने कस्टमर को गुड्स सोल्ड किया था और वो इमीडिएट पेमेंट ना करके वो हमारे बैंक अकाउंट में जितने का हमने सामान बेचा था वो क्या करता है, ट्रांसफर कर देता है। अभी उसने कितना अमाउंट ट्रांसफर किया है नहीं किया ये मुझे कब पता चलेगा, जब मैं पासबुक क्या करूंगा अपना अपडेट करूंगा, तो ये एक रीजन है जो हमारा कैशबुक पासबुक क्या होगा, डिफरेंस शो करेगा। लास्ट है आपके पास डिस ऑनर ऑफ द बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक। ये इतने ट्रांजेक्शन है जिसकी वजह से आपके कैशबुक में एंड पासबुक में डिफरेंस आते हैं। ठीक है, सिर्फ इतने ही 8 ट्रांजेक्शन है क्या, नहीं, ये इतने 8 कॉमन ट्रांजेक्शन है जो ज्यादातर एग्जाम में रिपीट होते हैं और आते हैं। इसके अलावा भी और कोई ट्रांजेक्शन हो सकता है जो क्वेश्चन में आएगा आगे, तो हम उसे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो अब डायरेक्टली हम जंप करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर, इलस्ट्रेशंस पे हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से, इलस्ट्रेशन नंबर 2 से।
अभी स्टार्ट करने के लिए इसे एक चीज आप और सीखना, एक चीज आप और सीखना, ये कैशबुक है। कैशबुक के कौन से दो बैलेंस होते हैं, एक होता है फेवरेबल, दूसरा होता है अनफेवरेबल। जो फेवरेबल बैलेंस होता है उसे मैं और क्या बोल सकता हूँ, कैशबुक डेबिट बैलेंस, या इसे आप दूसरा और क्या बोल सकते हो, कैशबुक का फेवरेबल बैलेंस, दैट इज योर डेबिट बैलेंस। दैट्स वाई ये आपके कहाँ आता है, ये आपके आता है बैलेंस शीट के असेट साइड में, डेबिट बैलेंस रहता है इसीलिए असेट साइड में जाता है। अगर ये डेबिट बैलेंस ना, अगर अगर क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है, मतलब बैलेंस आपका कौन सा साइड आ रहा है, इस साइड आ रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे ओवरड्राफ्ट एज पर कैशबुक। सेम अपोजिट होता है पासबुक के केस में। कैशबुक आपका जो डेबिट बैलेंस होता है वो आपके लिए क्या होता है, असेट्स होता है, ठीक है। जितना पैसा आप रिसीव करते कहाँ रिकॉर्ड करते हो, कैशबुक के डेबिट साइड में। अगर आप पैसा बैंक में डिपॉजिट कर रहे हो तो बैंक कहाँ रिकॉर्ड करता रहेगा, वो अपने ऊपर लाइबिलिटी शो करता है एंड वो डिपॉजिट साइड में रिकॉर्ड करता है। तो बैंक का फेवरेबल बैलेंस कौन सा हो जाएगा, बैंक का फेवरेबल बैलेंस होगा क्रेडिट बैलेंस। बैंक का फेवरेबल बैलेंस क्या होगा, ये होगा आपका क्रेडिट बैलेंस। एंड अगर क्रेडिट बैलेंस बैंक नहीं शो कर रहा है, अगर बैंक डेबिट बैलेंस शो कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक बोलो या बैंक स्टेटमेंट बोलो, एक ही बात है, ठीक है। तो ये ओवरड्राफ्ट अगर शो करेगा तो आपका क्या हो जाएगा, अनफेवरेबल बैलेंस होगा। तो क्वेश्चन में ऐसे ही पूछेगा, आपको दिया रहेगा बैलेंस एज पर कैशबुक, तो बैलेंस एज पर कैशबुक बोला इसका मतलब क्या हो गया, वो डेबिट बैलेंस एज पर कैशबुक या फेवरेबल बैलेंस एज पर कैशबुक। अगर ऐसे बोला है ओवरड्राफ्ट एज पर कैशबुक, तो समझ जाना वो कौन सा बैलेंस है, वो क्रेडिट बैलेंस है एज पर कैशबुक। पासबुक के केस में अगर बोला है फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक, तो कौन सा बैलेंस है आपका, वो क्रेडिट बैलेंस है। अगर बोला है ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, तो कौन सा बैलेंस है, वो आपका पासबुक का डेबिट बैलेंस है, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर टू देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फॉर जिंदल ऑफसेट लिमिटेड। यहां पर आपको क्या दिया है, बैलेंस एज पर कैशबुक, कुछ नहीं बोला है, बोला है बैलेंस एज पर कैशबुक। तो कैशबुक में कौन सा बैलेंस होता है, बाय डिफॉल्ट ये होता है डेबिट बैलेंस। तो ये आपका कौन सा बैलेंस है, ये फेवरेबल बैलेंस है, ठीक है। नेक्स्ट, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड इन द बैंक अमाउंट टू 1,36,000। हमने चेक इशू किया बट बैंक में प्रेजेंट, हाँ हमने चेक इशू किया बट पार्टी ने बैंक में अभी तक प्रेजेंट नहीं किया पेमेंट के लिए, तो कोई भी पेमेंट हुआ नहीं रहेगा इसके रिगार्डिंग। थर्ड, चेक डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट येट क्लियर्ड अमाउंट टू 90,000। एंड बैंक चार्जेस, बैंक क्या कर रहा है, चार्ज कर रहा है, अलाउ नहीं कर रहा है हमें। अलाउ किया रहता तो क्या किया रहता, हमारे डिपॉजिट साइड में क्या कर दिया रहता, क्रेडिट कर दिया रहता, लेकिन चार्ज कर रहा है। चार्ज किया इसका मतलब क्या किया है, बैंक ने इसे डेबिट किया है, हमसे लिया है, ठीक है। अगला, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक अमाउंट टू इतना, इतना हमारे अकाउंट में उसने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, मतलब जमा कर दिया है। एंड बैलेंस एज पर पासबुक कितना दिया है, 2,86,950। तो इसे हम सॉल्व क्या करेंगे, कैसे करेंगे, एक ट्रिक है, इससे आप बीआरएस का कोई भी क्वेश्चन बड़ी इजीली आसानी से क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। इलस्ट्रेशन नंबर टू, यहाँ पे मैं वर्किंग में बना देता हूँ, कैशबुक नया पर बना देता हूँ पासबुक। अभी आपको जो बैलेंस से स्टार्ट कर रहे हो उस बैलेंस को क्या करना है, आपको यहाँ पर माइनस साइन दे देना है। तो मैं आज पे स्टार्ट कर रहा हूँ बैलेंस एज पर कैशबुक, बैलेंस एज पर कैशबुक मतलब कौन सा बैलेंस, डेबिट बैलेंस, बैलेंस एज पर कैशबुक, दैट इज योर डेबिट बैलेंस। तो कैशबुक का डेबिट बैलेंस कौन सा होता है, ये कैशबुक का भी डेबिट साइड माइनस कर दो एंड पासबुक का भी डेबिट साइड क्या कर दो, माइनस कर दो, एंड अपोजिट साइड आपका क्या हो जाएगा, प्लस। ऐसा क्यों, क्योंकि हम डेबिट बैलेंस से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर हम क्रेडिट बैलेंस से स्टार्ट करते हैं तो
कैशबुक का भी क्रेडिट साइड क्या करता, माइनस करता, एंड पासबुक का भी क्रेडिट साइड क्या करता, माइनस करता। अब उसी साइड क्या हो जाती, प्लस हो जाती। अभी इसमें हम क्या करेंगे, कुछ ट्रांजेक्शन ऐड वाला आएगा एंड कुछ ट्रांजेक्शन लेस वाला आएगा। फाइनली हमने स्टार्ट कहाँ से किया, बैलेंस एज पर कैशबुक से हम स्टार्ट किए हैं। एंड में हमारा जो बैलेंस आएगा वो आएगा बैलेंस एज पर पासबुक आएगा, तो मैच हो जाएगा। बस जो अमाउंट दिया है इसका कितना दिया है, बैलेंस एज पर कैशबुक कितना दिया है, 2,40,000। मैं यहाँ इसे यहाँ लिख लेता हूँ, 2,40,000। नेक्स्ट, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड इन द बैंक अमाउंट टू 1,36,000। हम जब चेक इशू करते हैं तो हम एंट्री कहाँ पास करते हैं, कैशबुक के क्रेडिट साइड में। तो कितने का इशू किया है हम, 1,36,000 का। ठीक है, पहले वर्किंग कर लो, फिर इधर से उठा उठा के अमाउंट हम क्या कर देंगे यहाँ पे लिख देंगे। तो ये किस में आ रहा है, ऐड में आ रहा है, तो चलो साइमल्टेनियसली करते चलो। 1,36,000 क्या लिखेंगे, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, कितने का, 1,36,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, चेक डिपोजिटेड इन बैंक बट नॉट येट क्लियर अमाउंट टू 90,000। आप चेक डिपॉजिट करते हो तो आप कैशबुक के कौन से साइड एंट्री पास करते हो, डेबिट साइड, कितने का, 90,000 का। तो ये आपका क्या हो रहा है, लेस हो रहा है। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर कितना आ रहा है, 90,000। अगला क्या बोला है, बैंक चार्जेस अमाउंट टू 300। बैंक ने हमसे चार्ज किया है कितना, 300 रुपया चार्ज किया है। तो बैंक ने कहाँ पे एंट्री पास किया रहेगा, वो हमारे अकाउंट में जमा किया रहेगा या हमारे अकाउंट से निकाल लिया रहेगा। तो हमारे अकाउंट से वो क्या किया रहेगा, 300 रुपया निकाल लिया रहेगा, क्योंकि वो चार्ज कर रहा है। अगर वो अलाउ किया होता तो हमारे अकाउंट में क्या किया रहता, ऐड किया रहता। वो चार्ज कर रहा है, तो ये कौन से साइड आया, लेस साइड आया। तो इसे क्या करेंगे, लेस चार्जेस कितना, 300। आगे बैंक ने क्या किया है, इंटरेस्ट क्रेडिट किया है कितना, 1,250। बैंक जब इंटरेस्ट क्रेडिट करता है तो कहाँ शो किया रहेगा, हमारे अकाउंट में उसने डिपॉजिट कर दिया रहेगा। तो इसे क्या करना है हमें, ऐड, क्यों, प्लस साइड में आ रहा है। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, लेकिन आप पेपर में एग्जाम में ऐसा नहीं लिखेंगे, आप पूरा लिखेंगे। कितना आएगा ये, 1,250। लास्ट ट्रांजेक्शन आपका क्या दिया है, ये तो आंसर दिया है। अभी चेक करते हैं हमारा यही आंसर आता है कि नहीं, अगर आया तो हमारा आंसर क्या है, राइट है। प्लस साइड का टोटल ले लो, आपका टोटल कितना आ रहा है, ये 1,36,000 प्लस 1,250, ये आपका आ रहा है 1,37,250। अब ये दोनों प्लस वाले हैं, इसे हमें क्या करना है, इसमें ऐड करना है। तो ऐड करके इसमें कितना आ रहा है, ये आ रहा है 3,77,250। हमें लेस कितना करना है इसमें से, 90,300 लेस कर दो, 90,300। ये आपका आंसर कितना आ जाएगा, 2,86,950। ये आपका क्या होगा, हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, बैलेंस एज पर कैशबुक, तो ये डेबिट बैलेंस था। तो यहाँ पर क्या आएगा, बैलेंस एज पर पासबुक। पासबुक का बैलेंस, फेवरेबल बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। तो ये क्या आएगा, क्रेडिट। अगर ये स्टार्ट होता ओवरड्राफ्ट एज पर कैशबुक, तो यहाँ पर क्या आता, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक।
ठीक है। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन नंबर थर्ड। ऑन 31 मार्च 2019 द बैंक पासबुक ऑफ नम्रता शो द बैलेंस ऑफ 1,50,000। तो ये क्या है, आपका पासबुक में इतना बैलेंस शो कर रहा है, तो ये आपका बैलेंस एज पर पासबुक हो जाएगा। क्यों, सिर्फ इतना बोला है, बैंक पासबुक ऑफ नम्रता शो बैलेंस इतना। अगर ओवरड्राफ्ट होता या अनफेवरेबल बैलेंस होता तो क्वेश्चन में बता देता, कुछ नहीं बोला था। क्या है, नॉर्मल बैलेंस एज पर पासबुक, दैट इज आपका कौन सा बैलेंस है, ये आपका क्रेडिट बैलेंस। आगे टू हर क्रेडिट, आगे बोला है टू हर क्रेडिट वाइल बैलेंस एज पर पासबुक कितना बोला है, 1,12,050। तो ये क्या है आपका डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, क्योंकि बैलेंस एज पर पासबुक क्या होता है, क्रेडिट होता है, एंड बैलेंस एज पर कैशबुक क्या होता है, डेबिट होता है। ओवरड्राफ्ट एज पर कैशबुक क्रेडिट होता है, एंड ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक क्या होता है, डेबिट होता है। ऑन स्क्रूटनी ऑफ टू बुक्स, टू बुक्स मतलब कैशबुक एंड पासबुक, उसकी जांच करके हमें फॉलोइंग ट्रांजेक्शन जो है पता चल रहा है, जिसकी वजह से दोनों में क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। इसका बैलेंस कितना आ रहा है, 1,50,000, एंड इसका बैलेंस कितना आ रहा है, 1,12,050 रुपीज। तो इसे हमें क्या करना है, मैच करना है। ट्रांजेक्शन पढ़ लेते हैं। सी एज इशूड चेक अमाउंटिंग टू ₹80,000, आउट ऑफ विच 32,000 वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ठीक है, सी रिसीव्ड अ चेक ऑफ 5,000 विच सी रिकॉर्डेड इन हर कैश बुक बट फॉरगॉट टू डिपॉजिट। मतलब जब उसे चेक मिला तो रिसीव्ड की एंट्री अपने कैश बुक में रिकॉर्ड कर दी, बट उससे बैंक में डिपॉजिट ही नहीं की, डिपॉजिट नहीं करी तो पेमेंट कहाँ से आएगा, नहीं आएगा ना। देखिए हो गया, इसकी वजह से डिफरेंस आ रहा है, इसकी वजह से। आगे चेक ऑफ 22,000 डिपॉजिटेड बाय हर हैज नॉट बीन क्लियर। 22,000 का चेक उसने उसने डिपॉजिट किया लेकिन अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। मिस्टर गुप्ता डिपॉजिटेड एन अमाउंट ऑफ 15,700 इन हर बैंक विच हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड बाय हर इन कैश बुक। मतलब 15,700 का डायरेक्ट पेमेंट आ रहा है उसके बैंक अकाउंट में, ये आ रहा है आपका डायरेक्ट पेमेंट इन बैंक। डायरेक्ट पेमेंट अगर बैंक में आ रहा है तो हमें ये ट्रांजेक्शन, हमने हमें कब पता चलेगा, जब हम पासबुक अपडेट कराएंगे, जब पासबुक अपडेट कराएंगे हमें पता चलेगा कि मिस्टर गुप्ता ने 15,700 हमारे अकाउंट में क्या कर दिया है, डिपॉजिट कर दिया है, मतलब पेमेंट कर दिया है। तो उसे हम क्या करेंगे, अपने कैशबुक में भी रिकॉर्ड कर लेंगे। बैंक हैज क्रेडिटेड, बैंक क्या कर रहा है, क्रेडिट कर रहा है। क्रेडिट कर रहा है इसका मतलब क्या कर रहा है, आपको इंटरेस्ट क्या कर रहा है, वो अलाउ कर रहा है। अलाउ कर रहा है मतलब आपके अकाउंट में क्या कर देगा, डिपॉजिट कर देगा। कितना, 1,500। वाइल चार्जिंग कितना, 250। मतलब 1,500 आपको दे रहा है एंड आपसे 250 क्या कर रहा है, चार्ज कर रहा है। ठीक है, तो इसको क्या कर देगा, वो डेबिट कर देगा, एंड 1,500 जो है वो क्या कर देगा, आपको आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देगा। ऐसे भी देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 3, तो आपको ऐसे ही लिखना है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन किस दिन कर रहे हैं हम, ऑन 31 मार्च 2019 एज ऑन 31 मार्च 2019 वर्किंग में हमारा क्या आ जाएगा, कैश बुक, एंड ये आ जाएगा आपका पासबुक। इसमें दोनों बैलेंस दिया है, बैलेंस एज पर कैशबुक भी दिया है, बैलेंस एज पर पासबुक भी दिया। तो आप जो चाहो उस बैलेंस से स्टार्ट कर सकते हो, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इससे ही, कैशबुक से ही। बैलेंस एज पर कैशबुक क्या होता है, डेबिट होता है। तो कैशबुक का भी डेबिट माइनस साइड हो जाएगा, एंड पासबुक का भी डेबिट माइनस साइड हो जाएगा, अपोजिट साइड दोनों का क्या हो जाएगा, प्लस। बैलेंस एज पर कैशबुक, ये कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है। कितना दिया आपने को, 1,12,050। इसमें हमें ऐड करना है कुछ ट्रांजेक्शन, एंड हम इसमें से लेस करेंगे कुछ ट्रांजेक्शन। देखते हैं ट्रांजेक्शन, फर्स्ट सी हैज इशूड चेक अमाउंटिंग टू ₹80,000, आउट ऑफ विच ओनली 32 वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। मतलब क्या कह रहा है, हमने इशू कितने का किया था, हमने इशू किया था 80,000 का, जिसमें से हमारे बैंक में
हमारे बैंक में जो पार्टी कितने का पेमेंट हो गया उसमें से 32,000 का, ठीक है, हमने इशू किया था। अभी इशू किया तो ऐसा जरूरी नहीं है कि 80,000 का मैंने चेक इशू किया तो एक ही आदमी को किया रहूंगा, ठीक है, बहुत सारे लोग हो सकते हैं ना। तो उसमें से 32,000 तक का जो पेमेंट था, सपोज करो इतने लोग थे, चार लोगों को मिलाकर मैंने 80,000 का चेक इशू किया था, इसमें से ये दो लोग हैं जितने को 32 का पेमेंट जाना था, ये लोग ने अपना चेक मेरे बैंक में क्या किया, प्रेजेंट किया, ये लोग को पेमेंट हो गया। लेकिन ये जो दो लोग हैं, ये लोग अभी तक चेक प्रेजेंट किए हैं क्या? नहीं, तो इसका पेमेंट नहीं हुआ होगा। मतलब इतना इतने का अमाउंट हमने यहाँ पर क्या किया, ज़्यादा दिखाया है। तो हमारे एड साइड में कितना आ रहा है, 80, तो इसे ऐड कर देंगे। एंड पेमेंट साइड में, अरे इधर पे लेस साइड में कितना आ रहा है, 32, तो इसे क्या कर देंगे, लेस। तो 80 ऐड करो, 32 लेस करो, या ये एक ही ट्रांजेक्शन है, इसको नेट ऑफ कर दो। मतलब मैंने इशू कितने का किया था, 80,000 का, एंड 32 का पेमेंट हो गया है। मतलब मैंने ज़्यादा पेमेंट कितना रिकॉर्ड किया है अपने में, ज़्यादा पेमेंट मैंने रिकॉर्ड किया है 48,000। तो डिफरेंस कहाँ पे आएगा, एड साइड में आएगा। 48,000 आप लोग क्या करोगे, ऐड करोगे, ऐसे करना है डिफरेंस निकाल के, वैसे करो, या तो 80,000 पूरा ऐड करो एंड 32 माइनस साइड में आ रहा है तो 32 पूरा लेस करो। तो मैं डिफरेंस ही ले लेता हूँ, लिखेंगे क्या, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। 80,000 का हमने इशू किया था, जिसमें से पेमेंट के लिए प्रेजेंट कितना हो गया, 32, मतलब इतने का पेमेंट हो गया है। तो प्रेजेंट कितना नहीं हुआ है, तो 48,000 आपका क्या हुआ है, प्रेजेंट नहीं हुआ है। तो ये इसका बैलेंस कहाँ पे आ रहा है, हायर कौन सा है आपका, एड वाला 80, जिसमें से पेमेंट हो गया 32, माइनस कर देंगे तो बैलेंस 48 एड साइड में आएगा। इसलिए इसे क्या करेंगे, आप ऐड करेंगे, आपको वही करना है जितना बोला है। इसमें रेक्टिफाई करने मत जाओ कि हमने इतने का पेमेंट नहीं किया तो इतना का पेमेंट ज्यादा दिखाया तो लेस कर देंगे, ऐसा नहीं, ये साइन के अकॉर्डिंग चलने का। ऐड साइड में आ रहा है तो ऐड करेंगे, लेस साइड में आ रहा है तो लेस करेंगे। नेक्स्ट, चेक रिसीव्ड, सी रिसीव्ड अ चेक ऑफ 5,000 व्हिच सी रिकॉर्डेड इन हर कैश बुक बट फॉरगॉट टू डिपॉजिट। चेक 5,000 का मिला और हमने कैश बुक में डिपॉजिट भी कर दिया, मतलब एंट्री पास कर दिए। चेक मिलता है तो कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट साइड में, 5,000 हमने रिकॉर्ड कर दिया बट बैंक में डिपॉजिट ही नहीं किए, तो पेमेंट आया होगा क्या, नहीं आया होगा। ये 5,000 कहाँ आ रहा है, लेस साइड में, तो इसको लेस कर देंगे। तो ये आपका कौन सा ट्रांजेक्शन है, सेकेंड है। चेक डिपॉजिटेड बट सॉरी जो क्वेश्चन में लैंग्वेज दिया वही लिखता हूं मैं, चेक रिसीव्ड बट फॉरगॉट टू डिपॉजिट, कितने का, 5,000 का, इसे हम लेस करेंगे, क्यों, लेस साइड में आ रहा है। थर्ड ट्रांजेक्शन क्या बोल रहा है, चेक ऑफ 22,000 डिपॉजिटेड बाय हर हैज नॉट बीन क्लियर। 22,000 का चेक उसने बैंक में डिपॉजिट किया था, तो डिपॉजिट की थी तो कहाँ पे एंट्री पास की होगी, ने कैश बुक के डेबिट साइड में, तो ये भी कहाँ आ रहा है, लेस साइड में आ रहा है, लेकिन अभी तक क्लियर नहीं हुआ, तो ये भी कहाँ आ रहा है, लेस साइड में आ रहा है, इसमें क्या करेंगे, लेस। ट्रांजेक्शन थर्ड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, कितने का, 22,000। आगे, मिस्टर गुप्ता डिपॉजिटेड एन अमाउंट ऑफ 15,700 इन हर बैंक अकाउंट विच हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड बाय हर इन हर कैश बुक, ठीक है। तो हमारे बैंक में डायरेक्टली पेमेंट आ गया कितने का, 15,700 का। तो ये हमें कब पता चलेगा, जब हम पासबुक को अपडेट करेंगे। तो ये डिपॉजिट कर रहा है, तो डिपॉजिट कर रहा है, तो डिपॉजिट कहाँ होता है पासबुक का, क्रेडिट साइड में होता है, तो ये कहाँ पे आ रहा है, प्लस साइड में आ रहा है, तो इसलिए क्या करेंगे, इसे ऐड करेंगे। मिस्टर गुप्ता डायरेक्टली डिपॉजिटेड, कितना, 15,700। नेक्स्ट,
बैंक हैज क्रेडिटेड इंटरेस्ट कितना 1500 एंड चार्ज कितना किया है 250। हमें दे रहा कितना इंटरेस्ट हो 1500 का, उसे चार्ज कितना कर रहा है 250 का। तो 250 क्या कर लेगा वो, हमारे अकाउंट से काट लेगा। काट लेगा मतलब क्या कर लेगा, विड्रॉ कर लेगा। ये 250 क्या होगा आपका, लेस साइड में आ रहा है तो ये लेस होगा, एंड 1500 का आ रहा है क्रेडिट साइड में आ रहा है तो ऐड होगा। ये सीक्वेंस का चेंज हो गया ट्रांजेक्शन का, आप ट्रांजेक्शन वाइज देखना। हमें करेक्ट कर देता हूँ इसको। मिस्टर गुप्ता वाला आपका कौन सा ट्रांजेक्शन था, 4। तो ये आपका कौन सा है, ये आपका फोर्थ ट्रांजेक्शन है, एंड दिस इज योर फिफ्थ ट्रांजेक्शन। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक कितने का, 1500। एंड फिफ्थ ट्रांजेक्शन में एक और पार्ट है, इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक कितना, 250। टोटल एड साइड का टोटल करो कितना आ रहा है, 48 प्लस 15 700 प्लस 1500, ये आपका आ रहा है 5200। ये दोनों का टोटल हो गया कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 1,77,250। अभी आपको लेस कितना करना है, लेस करना है आपको 27,250। 1,77,250 लेस 27,250, तो ये आपके पास आ जाएगा 1,50,000 रुपये। यही आपका चेक करना है तो चेक कर लेना। यही आपका बैलेंस एज पर क्या है, बैलेंस एज पर पासबुक। बैलेंस एज पर पासबुक कौन सा बैलेंस होता है, ये आपका होता है क्रेडिट बैलेंस। अगर सेम क्वेश्चन मैंने किससे किया है, बैलेंस एज पर कैशबुक से किया है। सेम क्वेश्चन अगर हम बैलेंस एज पर पासबुक से करेंगे तो हम कौन से बैलेंस से स्टार्ट करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे 1,50,000 से। एंड हमारा जो यहाँ फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा हमारा, वो हमारा आएगा बैलेंस एज पर कैशबुक कितना, 1,12,050। तो मैंने इसे कैशबुक से बताया है, आप ये सेम लॉजिक यूज करके इसे पासबुक से भी ट्राई करना। अगर पासबुक से हम ट्राई करेंगे तो हमारा वर्किंग कैसा बनेगा, पासबुक। तो बैलेंस एज पर पासबुक कौन सा बैलेंस होता है, बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट बैलेंस होता है हमेशा। तो हम इस बैलेंस से अगर स्टार्ट करेंगे तो दोनों अकाउंट का, कैशबुक का एंड पासबुक का, क्रेडिट साइड क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, एंड अपोजिट साइड दोनों का क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। हमने यहाँ पर उल्टा किया था, हमने कौन से बैलेंस से स्टार्ट किया था, बैलेंस एज पर कैशबुक से स्टार्ट किए थे। बैलेंस एज पर कैशबुक कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है, इसलिए मैंने कैशबुक का भी डेबिट साइड माइनस किया था एंड पासबुक का भी डेबिट साइड क्या किया था माइनस किया था। अपोजिट साइड दोनों बुक का क्या किया था, प्लस किया था। लेकिन अगर हम पासबुक से स्टार्ट करेंगे तो पासबुक का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो बैलेंस एज पर पासबुक तो दोनों का, कैशबुक एंड पासबुक का क्रेडिट साइड क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, एंड अपोजिट साइड दैट इज डेबिट साइड क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 4। ये रहा इलस्ट्रेशन नंबर 4। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स असर्टेन द बैलेंस दैट वुड अपियर इन द बैंक पासबुक ऑफ ए ऑन 31 दिसंबर 2019। तो हमें BRS का स्टेटमेंट बनाना है कब का, 31 दिसंबर 2019 का। फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या बोल रहा है, द बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैशबुक। बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैशबुक कौन सा बैलेंस होता है आपका, ये होता है क्रेडिट बैलेंस। इसका अमाउंट कितना दिया है, 6,340। ठीक है, नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट फॉर 6 मंथ। तो जब जो भी हम ओवरड्राफ्ट निकालते हैं बैंक से, बैंक ओडी जो हम लेते हैं उसके ऊपर हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं 6 महीने का, 6 मंथ का, जिसका अमाउंट कितना है 160। थर्ड, बैंक चार्जेस 400 आर डेबिटेड इन द पासबुक ओनली। तो बैंक हमसे चार्ज कर रहा है कितना, 400 रुपये। चौथा, चेक इशू बट नॉट कैश प्रायर टू 31 दिसंबर 2019। हमने चेक इशू किया जो कि सामने वाले ने अभी तक प्रेजेंट नहीं किया पेमेंट के लिए, जिसका अमाउंट कितना है, 11,68,000। फिफ्थ ट्रांजेक्शन, चेक पेड इनटू बैंक। पेड इनटू बैंक मीन्स डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट क्लियर बिफोर 31 दिसंबर 2019, जिसका अमाउंट कितना है, 22,17,000।
अगला इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय द बैंक। मैंने आपको ट्रांजेक्शन जब नोट करवा रहा था तो वहां पे बताया था कि जो भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं जिसके ऊपर हमें इंटरेस्ट या डिविडेंड मिलता है तो डायरेक्टली हमारे बैंक अकाउंट में क्या होता है, आ जाता है, बैंक अकाउंट में आता है। इसका मतलब कि बैंक के डिपॉजिट साइड में आता होगा। तो ये 12 लाख बैंक क्या कर देगा, क्रेडिट कर देगा हमारे अकाउंट में। सेम चीज अगर हम कोई पेमेंट करते हैं जो डायरेक्टली हमारे बैंक से क्या होता है, डिडक्ट हो जाता है, तो उसके लिए बैंक क्या करता रहेगा, हमारे अकाउंट में से बैलेंस उतना विड्रॉ कर लेता होगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसे। इलस्ट्रेशन नंबर 4, इसमें क्या दिया है, ओवर ड्राफ्ट एज पर कैशबुक दिया है। ओवर ड्राफ्ट एज पर कैशबुक कौन सा बैलेंस होता है, ये आपका क्रेडिट बैलेंस होता है। इसका अमाउंट कितना आ रहा है, 6340। वर्किंग बना लेते हैं, आपको एग्जाम में भी वर्किंग सेम इसी तरह से बनाना है। इसमें वापस से आपको ट्रांजेक्शन नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, आपका जो मार्क्स रहेगा ये जो स्टेटमेंट है इसके ऊपर रहेगा। ठीक है, तो इसे आप ऐसे रफली भी बनाकर देख सकते हो कि आपका एड साइड में कौन से ट्रांजेक्शन आएंगे एंड लेफ्ट साइड में कौन सा ट्रांजेक्शन आएगा। ठीक है, तो हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, बैलेंस अपना ओवर ड्राफ्ट एज पर कैशबुक। तो ओवर ड्राफ्ट एज पर कैशबुक हमारा कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। तो ओवर ड्राफ्ट एज पर कैशबुक क्रेडिट बैलेंस होता है, तो कैशबुक का क्रेडिट साइड अपना माइनस साइड हो जाएगा एंड पासबुक का क्रेडिट साइड अपना क्या होगा, माइनस साइड होगा। जिस बैलेंस से स्टार्ट कर रहे हैं उस बैलेंस को क्या करने का, माइनस देने का, दोनों बुक में, कैशबुक में भी एंड पासबुक में भी। तो अपोजिट साइड क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अगर मैं बैलेंस एज पर कैशबुक से स्टार्ट करता तो कैशबुक के डेबिट बैलेंस को क्या करता, माइनस देता, एंड पासबुक के भी डेबिट बैलेंस को क्या देता, माइनस देता। अपोजिट साइड क्या हो जाती, प्लस हो जाती। ठीक है, अगला इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। तो ओवरड्राफ्ट पर हम क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। तो ये कहाँ पे एंट्री है इसकी, एंट्री ये पासबुक में है। ठीक है, कितना, 160। तो जब ओवरड्राफ्ट पे हम इंटरेस्ट पे करते हैं तो बैंक क्या करेगा, और एंट्री किस में है, पासबुक में। अगर हम पेमेंट कर रहे हैं तो हम कैशबुक के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन एंट्री उसमें कहाँ पे दी हुई है, पासबुक में दी हुई है। तो जब बैंक हमसे कोई भी चार्जेस लेता है तो क्या करता है, हमारे अकाउंट में जमा करता है कि हमारे अकाउंट से निकालता है, वो हमारे अकाउंट से क्या करेगा, निकाल लेगा। यहाँ पर जो भी मेरा बैलेंस होगा इसमें से वो क्या करेगा, उतना पैसा डिडक्ट कर लेगा। तो इंटरेस्ट कितना डिडक्ट कर लेगा, वो ओवरड्राफ्ट पे 160 रुपीज़। तो ये क्या होगा, आपका प्लस साइड में आ रहा है, तो इसको क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे फर्स्ट। ये आपका कौन सा है, सेकंड ट्रांजेक्शन। फर्स्ट तो ये बैलेंस दिया हुआ था, तो ये आएगा आपका इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, ये 160 आपका ऐड होगा। नेक्स्ट थर्ड ट्रांजेक्शन क्या बोला, बैंक चार्जेस कितना, 400। बैंक हमसे चार्ज कर रहा है कितना, 400 चार्ज कर रहा है अगेन, तो हमारे अकाउंट से पैसा क्या कर लेगा, डिडक्ट कर लेगा। तो ये आपका थर्ड ट्रांजेक्शन क्या है, बैंक चार्जेस 400। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, चेक इशूड बट नॉट कैश्ड प्रायर टू 31 दिसंबर 2019 अमाउंटिंग टू रुपीज 11,68,000। तो हमने क्या किया, चेक इशू किया है बट अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ पेमेंट के लिए। तो चेक हम जब इशू करते हैं तो कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, कैशबुक के डेबिट साइड या क्रेडिट साइड। चेक इशू इज नथिंग बट योर पेमेंट, तो पेमेंट हम करते हैं तो कैशबुक के कौन से साइड रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट साइड। 11,68,000 ये आपका क्या होगा, लेस होगा, क्यों, निगेटिव साइड आ रहा है। लेस का लेस कर देते हैं इसे। कौन सा ट्रांजेक्शन था ये हमारा, फोर्थ ट्रांजेक्शन था, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, कितना, 11,68,000। अगला ट्रांजेक्शन क्या दिया है, चेक पेड इनटू बैंक। चेक पेड इनटू बैंक मीन्स चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट क्लियर्ड, जिसका अमाउंट कितना दिया है, 22,17,000। जब हम चेक डिपॉजिट करते हैं तो हम कैशबुक के कौन से साइड एंट्री पास करते हैं, कैशबुक के डेबिट साइड एंट्री पास करते हैं, कितना, 22,17,000। बीआरएस कुछ नहीं है, बस आपको करेक्ट एंट्री आना चाहिए कि हम एंट्री कैसे पास करते हैं। एंड ये ट्रिक तो मैंने आपको दे ही दिया है, कौन सा ऐड होगा कौन सा लेस होगा। आप जिस बैलेंस से स्टार्ट कर रहे हो उसको माइनस देना है, एंड जिस अपोजिट बैलेंस आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो निगेटिव चार्ज जो ट्रांजेक्शन आ रहा है उसे लेस करना है, एंड
पॉजिटिव दैट इज प्लस साइड जो भी ट्रांजेक्शन आ रहा है उसे क्या करना है ऐड करना है। तो चेक हमने डिपॉजिट किया बट क्लियर नहीं हुआ, तो जिसका अमाउंट कितना है 22,70,000 ये कहाँ आ रहा है ऐड साइड में, तो इसे ऐड करेंगे फिफ्थ ट्रांजेक्शन। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर कितना 22,17,000। अगला इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय द बैंक एंड क्रेडिटेड इन द पासबुक, बैंक ने इंटरेस्ट कलेक्ट किया है इन्वेस्टमेंट पे एंड क्रेडिट कर दिया है कितना 12 लाख। बैंक जब इंटरेस्ट कलेक्ट करेगा क्रेडिट करेगा तो कहाँ करेगा डिपॉजिट साइड करेगा, तो डिपॉजिट साइड हमारा क्या होता है क्रेडिट साइड होता है, ये 12 लाख आपका इस साइड आ जाएगा। ये कौन सी साइड आ रहा है लेस साइड, तो इसे क्या करेंगे लेस करेंगे। ट्रांजेक्शन 6 इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक एंड क्रेडिटेड कितना 12 लाख। तो ये आप ऐड करो कितना आएगा, ये आपका आएगा 22,70,560। ये इसमें ऐड करेंगे कितना आएगा 22,70,560 प्लस 6,340, ये आपके पास आ जाएगा 22,23,900। इसमें से हमें लेस कितना करना है 23,68,000, इसे लेस करो कितना आएगा 22,23,900 में से हमें लेस करना है कितना 23,68,000। तो ये आपके पास आंसर आ रहा है निगेटिव में 1,44,100। हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। तो ये जो हमारा बैलेंस आया ये किसमें आएगा, ये आएगा आपका ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक आपका कौन सा बैलेंस होता है, ये होता है आपका डेबिट बैलेंस। अभी सेम चीज को अगर आप ओवरड्राफ्ट लिख रहे हो इसे तो ये आपको निगेटिव में दिखाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप ये ब्रैकेट नहीं दिखाना चाहते इसको पॉजिटिव कर रहे हो तो इधर पे आपको ओवरड्राफ्ट हटा देना पड़ेगा। फिर इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसे एक और तरीके से लिख सकते हैं, फिर मैं इसे लिख सकता हूँ बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट बैलेंस कितना पॉजिटिव में 1,44,100। ये कैसे हो रहा है यहाँ समझना, ये आपका क्या है पासबुक। मैंने स्टार्ट कहाँ से किया है ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, तो मेरा जो बैलेंस आना चाहिए यहाँ पे लास्ट में वो क्या आना चाहिए ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक आना चाहिए। तो ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक आएगा मेरा, तो ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक मेरा कौन सा बैलेंस होता है, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक मेरा डेबिट बैलेंस होता है। तो डेबिट साइड में मेरा निगेटिव बैलेंस आ रहा है कितना 1,44,100, ठीक है। अगर मुझे इसे पॉजिटिव करना है तो मैं इसे कहाँ शिफ्ट कर दूंगा क्रेडिट साइड में, क्रेडिट साइड में शिफ्ट कर दूंगा तो ये जो इसका निगेटिव बैलेंस है ये ब्रैकेट ये हट जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। तो जो भी बैलेंस हमारे क्रेडिट साइड में आता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं बैलेंस एज पर पासबुक बोलते हैं। तो इस चीज पे ध्यान रखना, अगर ओवरड्राफ्ट एज पर कैशबुक आ रहा है तो यहाँ पर भी बैलेंस ओवरड्राफ्ट एज पर कैशबुक ही आना चाहिए, लेकिन अगर वो निगेटिव आ रहा है उसे आप पॉजिटिव में लिखना चाहते हैं तो ये ब्रैकेट हटा रहे हो अगर आप, तो ये ओवरड्राफ्ट भी आपको हटाना पड़ेगा। क्यों, ओवरड्राफ्ट आपका डेबिट साइड में आता है एंड डेबिट साइड में निगेटिव आ रहा है एंड ब्रैकेट हटा रहे इसको पॉजिटिव कर रहे हो, तो ये कहाँ चले जाएगा क्रेडिट साइड में चले जाएगा, इसलिए ये ओवरड्राफ्ट भी आपका हट जाएगा एंड ये बैलेंस इस पर पासबुक बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन इलस्ट्रेशन नंबर 5, इलस्ट्रेशन नंबर 5 जो आपका बेस है इसके लिए एक हमें नया न्यू कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। ये आपका है बीआरएस विद एडजस्टेड कैश बुक, तो इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।